सुन, लास्ट वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें नहीं पता, उसी रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। हमें दिया क्या हुआ है, 5 ओम, 10 ओम और R1, ये तीनों पैरेलल में लगे हैं। फिर उनका पैरेलल का सेट 6 ओम के साथ सीरीज में, 6 ओम के साथ सीरीज में 30 वोल्ट का बैटरी लगा है। करंट की रीडिंग कितना दे रहा है मीटर, 2 एम्पियर। ये सब कुछ पेपर में दे रखा है। और 17th क्वेश्चन पे स्टार लगा लो। मेरे हिसाब से ये 5 नंबर का मार्क्स का आना चाहिए पेपर बोर्ड में। पहला क्वेश्चन बोल रहा हूं असाइनमेंट में स्टार के लिए। शाबाश, अब देखो ये करना कैसे है। योर अटेंशन, योर अटेंशन। मैंने क्या करा बेटे, पहले मैंने ओम्स लॉ लगाया, वी इज इक्वल टू आई आर। गौर से देखो, मेरे को सप्लाई वोल्टेज दे रखी है 30 वोल्ट, मैंने 30 पुट कर दिया। फिर मेरे को करंट भी दे रखा है टोटल सर्किट का 2 एम्पियर, मैंने 2 पुट कर दिया। आर सर्किट निकालने के लिए 30 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 15 ओम का मेरे पास सर्किट रेजिस्टेंस आ गया, इसको मैंने नंबर 1 करके छोड़ दिया। अब मैं एक और मेथड से सर्किट रेजिस्टेंस निकालूंगा, उस सर्किट रेजिस्टेंस को इस सर्किट रेजिस्टेंस से इक्वेट कर दूंगा। इक्वेट देखो कैसे, अगर मेरे को इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस निकालना है, सबसे पहले ये 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं, तो पैरेलल में कैसे निकालूंगा, यहां तक इसको एक्स पॉइंट बोल देते हैं, इसको वाई, इधर इधर वाला सारा सर्किट 1/RxY इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/R1। गॉट इट? और जब इसको सॉल्व करें क्या बनेगा, आप कहोगे सर आपका एलसीएम आ गया R1। गॉट इट? नहीं, एलसीएम R1 नहीं आया, 50R1। तो यहां क्या आएगा, 10R1। यहां क्या आएगा, 5R1। यहां क्या आएगा बेटे, 50। ये कितना आ गया, 1/RxY आ गया। ये RxY तक निकला, लेकिन पूरे सर्किट की वैल्यू कितनी है, पूरे सर्किट की इस पॉइंट और इस पॉइंट तक पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस की वैल्यू ए से लेकर बी तक। आप कहोगे सर 6 ओम और 6 ओम ये सीरीज में लग जाएंगे इसके, यानी कि आप कहोगे सर देखो 6 ओम आपका ये पड़ा है, RxY आपने निकाल लिया और 6 ओम आपका ये पड़ा है, और आप कहोगे यहां पर आपने ए पॉइंट लिया है, यहां पर बी पॉइंट लिया है, तो आपका रेजिस्टेंस सर्किट का रेजिस्टेंस बेसिकली RAB ही है। तो आप उसको निकालने के लिए 6 ओम प्लस RxY सीरीज का फॉर्मूला प्लस 6, तो आप कहोगे सर आपका सर्किट का रेजिस्टेंस आ गया। तो आप कहोगे सर्किट का रेजिस्टेंस आ गया सर 6 + 6 = 12, 12 प्लस RxY। मैंने कहा बिल्कुल सही, लेकिन सर्किट का रेजिस्टेंस तो हमारे पास पड़ा है कितना, 15। पुट कर दो 15 = 12 प्लस RxY, इसको इधर ले जाओ, 3 = RxY। पर RxY की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं, दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लो। रेसिप्रोकल लेने से RxY की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50R1 डिवाइड, ऊपर क्या आ जाएगा ना, 10 + 5, 15R1 प्लस 50, इसको इधर ले जाओ, 45R1 प्लस 150, ये कितना आ गया, 50R1, इसको इधर ले आओ, 150 = 50 - 45, 5R1, इसको नीचे ले जाओ, R1 = 150 / 5, यानी के 30 ओम। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, बेस्ट क्वेश्चन अभी तक का असाइनमेंट। एक बार ऑब्जर्व करो, देखो
एब्जॉर्ब कर लो, एब्जॉर्ब। और अपने क्लास टीचर जो आपको पढ़ाते हैं उनको भी कभी सजेस्ट करना कि मैम इधर से इधर को आया करो आप, क्योंकि अगर कोई टीचर इधर से एक्सप्लेन करके उधर को जाता है तो ये वाला पोर्शन उसकी बॉडी से छुप जाता है, बच्चों को दिखता नहीं। ऐसे करके आएगा राइट हैंडेड टीचर तो सारा दिखेगा उसे। पर आपने अपनी कॉपियों पे डायरेक्ट उतारना। अच्छा माई क्वेश्चन, हैव यू अंडरस्टूड द 17th क्वेश्चन, यस और नो? रेज योर राइट हैंड इफ यस। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अगर आप ये क्वेश्चन भी पहली बार समझ आ गए, बिलीव मी, जिस जिस बच्चे को ये क्वेश्चन पहली बार में समझ आ गया वो हर बच्चा अगर मेहनत करे तो 10th में मेरिट में आ सकता है, मैं गारंटी देता हूं। कुदरत, कुदरत ने बहुत अच्छा ब्रेन दिया है। अगर आपको ये क्वेश्चन पहली बार समझ आ गया और आप मेरिट में आ सकते हो, रिकॉर्ड तोड़ दो। स्कूल के अंदर अगर आपके वीक बच्चे की इमेज बनी हुई है छोटी क्लासों में, हैरान कर दो टीचर्स को कि ये 9th तक इतना बच्चा कमजोर था और 10th में मेरिट में। और एक तुम्हें मैं हैरानी की बात बताऊं, जब आप बड़े हो जाओगे सारी क्लासेस 9th क्लास तक के जितने मार्क्स हैं, 9th क्लास तक के जितने मार्क्स हैं उनको कोई नहीं पूछेगा, 10th के पूछेंगे, एडमिशन के वक्त भी, बाकी चीजों के वक्त भी, पासपोर्ट के वक्त भी, सब कुछ। इसलिए जिन बच्चों ने छोटी क्लासों में मेहनत नहीं भी करी पर लापरवाह हो जाओ, अब कर दो बस। बड़े बड़े मेरिट होल्डर्स को, फ्रंट रनर्स को, टॉपर्स को बीट कर दो। इतना बढ़िया पढ़ो बच्चे, कुछ वक्त बचा है आपके पास। लेट्स मूव टू दी 18th क्वेश्चन। शाबाश, 18th, 18th। सभी बच्चे रीड करो। ओके, इस पे स्टार लगा लो 18th क्वेश्चन पे। देखो ध्यान से सुनना बेटे, 15 वोल्ट का बैटरी है, सप्लाई कितना है 15, और यहां पर हमारे पास रेजिस्टेंस है R1, और यहां पर जाके रेजिस्टेंस कितना है R2, और यहां पर ए पॉइंट के ऊपर एक बल्ब लगा हुआ और बी पॉइंट के ऊपर अनदर लैंप, और यहां पर उसने वोल्ट मीटर लगा रखा है, वोल्ट मीटर, और इसको ले गया यहां पर बैटरी से दोबारा कनेक्ट कर दो। गौर से देखो, ए और बी दोनों पैरेलल में नहीं है, नहीं है, यस। अगर ये R2 रेजिस्टेंस बीच में ना आता, सीधी वायर होती, तो ए और बी पैरेलल में होते। ओके, अब क्वेश्चन क्या है, जो लैंप नंबर बी है उसकी उसकी 6 वोल्ट की रेटिंग है, 6 वोल्ट, और लैंप नंबर 2 कितना करंट खींचता है, 3 एम्पियर का करंट खींचता है, यानी इस वाली ब्रांच के अंदर 3 एम्पियर का करंट है, 3 एम्पियर। ओके, जो लैंप नंबर ए है, गौर से देखो, लैंप नंबर ए वो है 12 वोल्ट और 24 वाट की रेटिंग्स, ये मैन्युफैक्चरर ने इसके ऊपर प्रिंट कर दी हैं रेटिंग्स, इनको मार्क्ड वोल्टेजेस भी बोलते हैं, मार्क्ड रेटिंग्स। अब वो कहता है R1 और R2 की वैल्यूज इस हिसाब से चोजन करी कि बल्ब अपना बेस्ट ग्लो करते हैं। क्वेश्चन का पार्ट नंबर ए, कैलकुलेट द करंट इन लैंप ए, ए लैंप में करंट देखना है, ध्यान से सुनो, शाबाश। पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, ए के लिए, ए के लिए, ए के लिए, ए की पावर कितनी, 24 वाट, वोल्टेज कितनी मांगता है मैन्युफैक्चरर, 12 वोल्ट, करंट हमसे पूछा हुआ है, तो इसको नीचे ले जाओ, करंट आ गया 24 डिवाइडेड बाय 12, यानी के 2 एम्पियर। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, शाबाश, सेकंड पार्ट,
स्टेट एंड गिव द रीजन फॉर रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी? गौर से देखो इधर, ये वोल्ट मीटर बैटरी के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है। देखो बैटरी के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है वोल्ट मीटर, यस या नो? लेकिन बीच में ये R1 रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। हमें बोलता है वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी, और फिर हमसे पूछते हैं अगले पार्ट में रेजिस्टेंस R2 कितना होगा, फिर उसके बाद पूछते हैं रेजिस्टेंस R1 कितना होगा। ध्यान से सुनो, अब सबसे पहले हम ये रेजिस्टेंस निकालते हैं R2। देखो इस सेक्शन में देखो, जिस जिस चीज को टीचर ने येलो बॉक्स में डाल दिया उसको ध्यान से देखो बेटे, इस येलो बॉक्स में ये बल्ब कितनी वोल्टेज खा गया? 6 वोल्ट। ऊपर से कितनी मिल रही थी इसको? देखो इस बल्ब को कितनी मिल रही थी, ये ऐसे 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 करते हुए काफी सारी मिल रही थी। ओके, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें करंट कितना जा रहा है, 3 एम्पियर, 3 एम्पियर, और रेजिस्टेंस कितना है इसका, R2। ओके, तो इस क्वेश्चन को कैसे करें हम? सबसे पहले ये जो वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी, ये कौन सी रीडिंग होगी जो यहां भी वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है और यहां भी वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है? यहां वोल्टेज बेसिकली यहां पर, ठीक है, ए के ऊपर, क्योंकि ए के पैरेलल में लगा हुआ है ये, देखो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, योर अटेंशन, हम इतना सर्किट ले लेंगे, ध्यान से देखना, जिसके ऊपर टीचर ग्रीन कलर से डॉट लगा रहा है। ध्यान से देखो, इतना सर्किट लेते हैं। ओके, इतने सर्किट के अंदर, ध्यान से देखना, अब इतने सर्किट के अंदर बैटरी कितनी ओम्स ला लगाते हैं, V इज इक्वल टू IR। R के लिए क्या होगा, R1 प्लस ए का रेजिस्टेंस, R1 प्लस ए का रेजिस्टेंस। करंट कितना ले इसमें पता नहीं है, करंट को I रख दो, क्योंकि ए बल्ब में से है इसलिए वो करंट एट ए कर दो, थ्रू ए। वोल्टेज कितनी मिल रही है ऊपर से, 15 लिख दो, राइट। लेकिन R1 का रेजिस्टेंस, इसका ना बल्ब का रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, गौर से देखो कैसे निकाल सकते हैं बच्चे, हमें उसकी पावर भी पता है वोल्टेज भी पता है। पावर का एक और फार्मूला होता है, कौन सा, वी स्क्वायर अपॉन आर ए के लिए ये पड़ा है पावर 24, ये पड़ा है वोल्टेज 12 का स्क्वायर कितना होएगा, 144 आर ए। ले लो इसको, इधर ले जाओ इसको, इधर ले जाओ, आर ए कितना हो गया, 144 डिवाइडेड बाय 24, ठीक है, 12 के टेबल से आगे आ गया 6 6 ओम। तो इस 6 ओम को यहां पुट कर दो तो क्या हो गया, 15 इज इक्वल टू R1 प्लस 6 प्लस IA, ऐसे करके लिख दो। ओके, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है ये वाला। अब IA की वैल्यू देखो गौर से, हमने निकाल रखी है ऑलरेडी, ये बड़ी यहां पुट कर दो, कितना, 2 एम्पियर। तो 15 ये I को 2 से इधर ले जाओ, डिवाइडेड बाय 2 R1 प्लस 6, 6 को इधर ले जाओ, 7.5 में से 6 माइनस आ गया, 7.5 माइनस 6 यानी R1 की वैल्यू होगी 1.5 ओम। अगला पार्ट बाद में करते हैं, पहले यहां तक देखो, R1 आपको समझ आ गया, यहां तक एब्जॉर्ब करो एक बार, मैं रुकता हूं थोड़ी देर के लिए। हाँ जी बेटे, बोलो यहां तक समझ आया आपको, यस और नो, बोलो बोलो बोलो।
इसमें आपको कॉन्फिडेंस कम है, हाथ तो खड़े हो रहे हैं, थोड़े डर डर के हो रहे हैं। एक बार फिर से बताता हूं, एक बार फिर से सुनो शाबाश। सबसे पहले टीचर ने यहां का फायदा लिया, किसका? टीचर ने देखा कि इसकी पावर रेटिंग दे रखी है 24, इसके अंदर वोल्टेज भी दे रखी है 12 वोल्ट, लिखे हुए ऊपर, तो ये कितना करंट खींचेगा? ये देखो ऐसे खींचेगा, इतना करंट खींचेगा ये, जब भी खींचेगा। अगर ये इतना करंट खींचेगा तो वही करंट तो इसमें से, रास्ता तो वही है ना करंट का, देखो ऐसे गया करंट, है वही करंट तो इधर जाएगा। या इस क्वेश्चन को करने का एक सिंपल तरीका भी है, और भी एक सिंपल तरीका है, उससे करते हैं। चलो ये थोड़ा सा मुश्किल था, थोड़ा सा मुश्किल था, इसको दोबारा करते हैं। देखो आसान वाले पार्ट से करवाता हूं, देखो क्योंकि आप अभी छोटे बच्चे हो। थोड़ा सा देखो, सबसे पहले मैं पावर रेटिंग ऑफ ए बल्ब फिगर देखो, सारे बच्चे अपनी कॉपीज में, 24 वाट है, लेकिन पावर का फार्मूला क्या होता है? पावर का फार्मूला क्या होता है? वी स्क्वायर अपॉन आर, और वोल्टेज रेटिंग भी दे रखी है उसकी 24, वोल्टेज रेटिंग कितनी है? 12, 12 दे रखी है ना ए की, यस, उसका स्क्वायर और नीचे आर ए, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो आर ए इज इक्वल टू 144 डिवाइडेड बाय 24, तो ये बन गया हमारा बेटे 6 ओम। एक आर ए की रेजिस्टेंस निकालनी थी, हमने निकाल दी। अब हम करते हैं क्या चीज, इसमें से करंट कितना फ्लो करेगा? करंट पावर रेटिंग का एक फॉर्मूला और भी होता है, वोल्टेज और साथ में क्या, करंट। पावर रेटिंग का एक फॉर्मूला और भी होता है, वो कौन सा? आई स्क्वायर इंटू अपॉन, सॉरी आई स्क्वायर इंटू आर, ये वाला। अब अगर पावर रेटिंग हमारे पास देखा जाए तो 24 वोल्ट है, वाट, सॉरी 24। करंट हमने निकालना है, करंट निकालना है, लेकिन आर का रेजिस्टेंस हम निकाल चुके हैं, कितना? 6 ओम। इसकी वैल्यू को उठा के यहां पुट कर दो, जैसे ही हमने इसको सॉल्व करा, व्हाट हैपेंस? 24 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू आई ए का स्क्वायर, तो 4 इज इक्वल टू आई का स्क्वायर, तो आई ए इज इक्वल टू 2 एम्पियर। ये हमारा हो गया दूसरा पार्ट। सभी बच्चे पहले इतना हिस्सा बताओ, क्या आपको इतना समझ आ गया? पावर रेटिंग का एक फार्मूला यूज करके टीचर ने रेजिस्टेंस निकाल दिया, पावर रेटिंग का दूसरा फार्मूला यूज करके ये बीच वाला पार्ट जो है आप छोड़ सकते हो, ये वाला पोर्शन आप छोड़ सकते हो। देखो देखो, टीचर ने डायरेक्ट कर दिया, यस पावर रेटिंग का ये फार्मूला आई स्क्वायर आर ए, यहां से इसको पुट करा और रेजिस्टेंस निकल गया। क्लियर है? यस और नो? यहां तक रेज योर हैंड। दो पोर्शन हो चुके हैं, अब तीसरा पोर्शन क्या है? हमें आर वन और आर टू की वैल्यू पता करनी है, आर वन और आर टू की वैल्यू। ओके करें शुरू, और से देखो, आर वन की वैल्यू पता करने के लिए हम ये वाला सर्किट यूज करते हैं। पहले तो हम आर बी की बात करते हैं, आर बी जो है ना, उसका अगर मैं हेडिंग बनाऊं तो उसके बारे में हमें क्या पता? आर बी के बारे में, आर बी के बारे में बताया कि करंट जो है ना आई बी 3 एम्पियर है, वो 3 एम्पियर, और कुछ नहीं बताया इसमें हमें। क्लियर है?
तो और अगर ये 3 एम्पियर का है, सर्किट में देखो इसको सप्लाई कितनी मिल रही है ऊपर से, 15 15 वोल्ट। तो ओम्स लॉ के मुताबिक हम क्या करेंगे, ओम्स लॉ के मुताबिक बच्चे हम ये करेंगे, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ठीक है, आर डैश कह देते हैं। कौन सा रेजिस्टेंस लेंगे हम, लेंगे इसमें रेजिस्टेंस कौन से वाला बच्चे, वोल्टेज को 15 भरा, करंट को उसने 3 एम्पीयर दे रखा है, और रेजिस्टेंस इसमें 3 रेजिस्टेंस आएंगे, कौन सा, आर बी का, आर वन नहीं टू का और आर वन का। देखो ऐसे तीनों सीरीज में आ जाएंगे, आर बी का, आर टू का, आर वन का। ये हमने यहां से सॉल्व करके कितना आ गया, इसने इसको डिवाइड करा, 15 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू आर बी प्लस आर टू प्लस आर वन, क्लियर। अब यहां से 5 इज इक्वल टू आर बी प्लस आर टू प्लस आर वन, यहां तक इसको इक्वेशन को रख लो। अब दूसरी इक्वेशन देखते हैं, दूसरी इक्वेशन, अब हम ऊपर ऊपर से सर्किट निकालते हैं ए वाला, उसमें क्या आएगा, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट थ्रू आई ए रेजिस्टेंस ऑफ ए प्लस आर वन, क्योंकि ऊपर ऊपर वाली ब्रांच में एक बल्ब है और एक आर वन है और बैटरी है, 3 चीजें हैं। इसको लिखेंगे 15, करंट थ्रू रेजिस्टेंस हमें ऑलरेडी दे रखा है 2 एम्पियर, आर ए हमने कैलकुलेट कर लिया था, आर ए कहां करा था, आर ए बड़ा 6 प्लस आर वन, ओके। तो यहां से हम कितना हो गया, 15 डिवाइडेड बाय 2, 7.5 इज इक्वल टू 6 प्लस आर वन, इसको इधर ले जाओ, 1.5 इज इक्वल टू आर वन, लो आर वन भी आ गया, आर वन भी आ गया है। अब कौन सी प्रॉब्लम रहेगी, आर टू की, जो आर टू की है ना बेटे, आर अगर आर वन को यहां पुट कर सकते हैं अगर, तो आर टू निकल सकता था अगर अगर हमें आर बी की वैल्यू दी होती पेपर में, आर बी की वैल्यू दी होती, तो ये पेपर में आर बी की वैल्यू उससे हाँ आर बी की वैल्यू, हाँ, दी हुई है आर बी की वैल्यू। कैसे, देखो उसने बोला है आर बी की वैल्यू 6 वोल्ट पे 3 एम्पियर, ओम्स लॉ लगा दो, ओम्स लॉ वी इज इक्वल टू आई इंटू आर बी, और ये 3 एम्पियर दे रखा है, 6 डिवाइडेड बाय 3, आर बी की वैल्यू आ गई 2 ओम, इस 2 ओम को उठा के यहां रख दो, आपका आर टू आ जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था ये, आपको एक बार घर से जाके दोबारा पढ़ना पड़ेगा फिर समझ आएगा। सारे बच्चे इसको नोट कर लो, शाबाश, ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन था अभी तक का, एक बार घर से जाके दोबारा पढ़ना इसको, मैं टाइम दे रहा हूं, जल्दी करो। सर कैन यू रिपीट, फ्रॉम 5 इज इक्वल्स टू RB प्लस R2 प्लस R1, से आगे नहीं समझ लगा। आगे नहीं समझ आया, देखो सर्किट में, देखो सर्किट में इस बच्चे को व्हाइट वाला पोर्शन में थोड़ी प्रॉब्लम है, व्हाइट वाला पोर्शन बेटे फिगर में देखो, आप फिगर में जहां पर बल्ब आर ए लगा हुआ है, दिख रहा है आपको, सही है। उस बल्ब वाले सर्किट का देखो, 15 वोल्ट की बैटरी, आर ए का बल्ब और साथ में आर वन, आर ए और आर वन ऊपर ऊपर वाले सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस हुआ, और ओम्स लॉ लगा दिया, सारा डाटा पुट कर दिया बेटे, फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है, यहां तक आ गया। ओके सर, थैंक यू। चलो बच्चे अब हम 19th क्वेश्चन पे बात करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सूटेबल डायग्राम प्रूव दैट रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस ज्वाइंट इन पैरेलल इज इक्वल टू सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ
इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। सभी बच्चे ध्यान से पढ़ो, देखो ध्यान से सुनो बेटे। एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये तीनों पैरेलल में हैं, और तीनों पैरेलल में लगा के इस पॉइंट को मैंने एक्स बोल दिया, इस पॉइंट को मैंने वाई बोल दिया। आप सभी को पता है आर एक्स वाई इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री, ये पैरेलल में होता है। आप जानते हो क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में क्या है? प्रूव इट, प्रूव इट। इस फॉर्मूले की डेरिवेशन करके दिखानी। सुनो ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है। सबसे पहले आपने पेपर में इसके साथ खुद से अपनी तरफ से एक बैटरी कनेक्ट कर देनी, वी वोल्ट की। ये लो बैटरी कनेक्ट कर दी, ठीक है? ध्यान से सुनो। अब ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, मेमोरी टूल पैरेलल में, वोल्टेज सेम, लेकिन करंट डिफरेंट होगा। इसलिए यहां से करंट आया आई, और कुछ करंट ऊपर चला गया आई वन, कुछ यहां चला गया आई टू, और कुछ यहां चला गया आई थ्री। यानी ये वाला करंट आई इस एक्स जंक्शन पर जाकर अपने आप को तीन हिस्सों में बांट लेता है। जिन तीन हिस्सों में बांट लेता है वहीं से शुरू कर दो। इसका मतलब आप बोलोगे आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, ये कर दिया। अब ओम्स लॉ के मुताबिक, ओम्स लॉ क्या कह रहा था? वी इज इक्वल टू आई इंटू आर एक्स वाई, तो आई की वैल्यू यहां रख दो, वी अपॉन आर एक्स वाई आ गया। अब आई वन के लिए यहां भी ओम्स लॉ लगा दो, यहां पर ओम्स लॉ लगा देंगे तो क्या बनेगा? देखो वी वन इज इक्वल टू आई वन इंटू आर वन, लेकिन वी वन जो यहां पर वोल्टेज होगी वो सेम वोल्टेज होगी जो बैटरी से मिली। क्यों? क्योंकि तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है। इसका मतलब इस वी वन की बजाय हम वी लिख सकते हैं। तो यहां से जब आर आई वन निकालेंगे तो कितना निकलेगा? आई वन वी अपॉन आर वन, इसकी वैल्यू भी यहां पुट कर दो। येलो कलर देखो कितना, वी अपॉन आर वन। इसी तरह से इसके ऊपर ओम्स लॉ लगाएंगे तो आई टू कितना आएगा? वी अपॉन आर थ्री, इसकी वैल्यू भी पुट कर दो। यहां पर कितना पुट करेंगे? वी अपॉन आर थ्री, आर टू, सॉरी आर टू, आर टू। एक और तीसरा पॉइंट आ गया, उसमें कितना पुट करेंगे बच्चे? आई थ्री ओम्स लॉ, उसमें कितना? वी अपॉन आर थ्री, उसको यहां पुट कर दो। तो प्लस करके क्या आ गया? वी अपॉन आर थ्री। अब गौर से देखो, यहां से वी कॉमन आ गया, यहां से वी कॉमन आ गया, इधर वाले वी से कट हो गया। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका एकदम से ये फॉर्मूला बन जाए, V is taken as common। तो शुरुआत क्या थी? आपने तीनों करंट्स का टोटल जो यहां पर बना उसको मेन करंट जो बैटरी से आया उसके बराबर रख दिया, फिर उसके बाद ओम्स लॉ लगा दिया। हैव यू अंडरस्टूड और नॉट? से यस और नो, से यस, राइट हैंड अगर यस। ओके बेटे, ओके। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बी पार्ट की। मैं थोड़ा सा फास्ट करता हूं ना। सर टाइम ही बढ़ेगा, लंच ब्रेक है। 19 तो पूरा कर लें, 19 तो पूरा कर लें कि नहीं? चलो 19 को देखते हैं। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू रेजिस्टेंसेस ऑफ 12 ओम आर ज्वाइंड इन पैरेलल 6 वोल्टरी करंट बताओ। देखो बेटे ध्यान से, 12 ओम और 12 ओम इनको पैरेलल में जोड़ के 6 वोल्ट की बैटरी से लगाया, 6 वोल्ट की। इसको आर वन बोल देते हैं, इसको आर टू बोल देते हैं। हमने करंट निकालना है सर्किट में। लो जब पैरेलल में लगे होते हैं, सभी बच्चों को पता है वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू, यस। तो 1/12 प्लस 1/12 इज इक्वल टू कितना आ गया?
हाफ आ गया ये, ठीक है। तो आरपी कितना हो गया रेसिप्रोकल, 2 ओम। अब ओम्स लॉ लगाओ, बी इज इक्वल टू आई आर, आर पैरेलल को कितना पुट करेंगे, 2 ओम, अभी निकाला। वोल्टेज कितनी है बैटरी की, 6 वोल्ट, तो आई निकालना है। देयर फोर आई इज इक्वल टू, देखो 2 इसको डिवाइड करेगा 6 को, 6/2, 3 एम्पियर। बोलो किसी बच्चे को 19th क्वेश्चन समझ आया है या नहीं, देर जो है एडवर 19 ओम्स लॉ लगाया, पैरेलल का फार्मूला लगाया। ये 3 क्वेश्चन जो बचे हैं, 3 या 4, आप घर से प्रैक्टिस करके आओगे, ओके। हेलो, बस आ गया 3 घंटे की क्लास।